एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपीएस ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हमारा है सीटीपी लेक्चर नंबर 11। तो अब तक मैंने आप लोगों को 10 लेक्चर्स दे दिए हैं सीटीपी के, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आज भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिससे यूजुअली आप लोगों को क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। तो आज हम मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वी विल डिस्कस दिस इन अवर वीडियो। तो उससे पहले, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले उन्हें देखें, मेक क्लियर नोट्स, ताकि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपने नोट्स की वीडियो नहीं देखी है, थ्योरी वीडियो नहीं देखी है, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। तो इसलिए पहले अपनी सारी वीडियोस लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लो, ताकि हम फिर क्वेश्चंस पे मूव कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद अवर टुडेज टॉपिक मोटिवेशन, जिसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, फॉर श्योर आएगा। सो पे अटेंशन एंड मेक योर नोट साइड बाय साइड। सो मैं नोट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो यस, हियर वी गो विद अवर टॉपिक मोटिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है? मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है मोटिवेशन का? सोच कर देखो, अगर हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, देन वी कांट अचीव अवर गोल। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस है, जिसे हम क्या करते हैं, अपना बिहेवियर मेंटेन करते हैं, ताकि हम अपने गोल, अपने एम को अचीव कर सकें। बेसिकली मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डायरेक्टिंग अवर बिहेवियर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि मोटिवेशन क्या होता है, और यू मे नो कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मोटिवेशन के यू कांट कीप ऑन वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम, यू कांट अचीव योर गोल्स। तो जब मोटिवेशन है, काफी मतलब इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हो सकता है। तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसपे हम लेटर ऑन आएंगे। पहले हम लोग मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो दो इम्पोर्टेंट हमारे पास साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमें मोटिवेशन की डेफिनेशन दी थी। सो लेट्स रीड आउट दैट डेफिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को मोटिवेशन का मीनिंग पता चल गया कि जो मोटिवेशन है क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ी सी थिकनेस, या सो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। कि एक पर्टिकुलर गोल की तरफ अपने बिहेवियर को कैसे मेंटेन करना है, डायरेक्ट करना है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद हमारे पास स्किनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो मोटिवेशन है, इट इज अ सुपर हाईवे टू लर्निंग। मोटिवेशन क्या है? सुपर हाईवे है लर्निंग का। बिना मोटिवेशन के यू कांट कीप ऑन लर्निंग, यू कांट कीप ऑन डेवलपिंग योरसेल्फ। सो स्किनर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी मोटिवेशन की। और अकॉर्डिंग टू गुड, मोटिवेशन क्या है? प्रोसेस है एक अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी को। रेगुलेट कैसे करना है, अराउज मेंटेन कैसे करके रखना है, तो उस चीज के प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला था, मोटिवेशन बोला था। सो आई होप यू आर क्लियर, वेरी क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन टू टाइप्स का होता है हमारे पास। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मोटिवेशन कौन सा होता है? इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो इंसान को अंदर से, मतलब खुद से मिलता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है, वो हमें किससे मिलता है? वी गेट दिस थ्रू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, आवर फैमिली, फ्रेंड्स एटसेट्रा। तो वो किस में आ जाता है? हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? जो अंदर, मतलब हमें खुद से, इंटरनल फोर्स, हमारे इंटरनल से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम स्टडी करते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फोर्स टू मूव विद इन द इंडिविजुअल, विच प्रोपेल्स हिम और हर टू डिस्प्ले
सर्टेन बिहेवियर, इट इज एन इनेट और जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब कि मैं आपको सिंपल, वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, समटाइम्स हमें खुद से रिग्रेट फील होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत स्पेंड कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग, दे आर अर्निंग जस्ट फॉर आवर लाइवलीहुड। तो हमें बहुत अंदर से फील होता है कि हाँ भी हम गलत कर रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, ताकि मतलब इन सब चीजों से, ये जो फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब अ स्टूडेंट हु इज इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड मे कैरी आउट अ टास्क बिकॉज ऑफ द एंजॉयमेंट शी डिराइव्स फ्रॉम सच टास्क। अब समटाइम्स क्या होता है, हमारा गोल है, एम है अचीव का, कि हमें अपनी लाइफ में ये चाहिए, तो हमें बहुत अंदर से मोटिवेटेड फील होता है कि हाँ हमें ये तो चाहिए, हमें इसके लिए हार्डवर्क करना है। सो ये क्या होता है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन है, जो कि हमें हमारे खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिलता है। अब नेक्स्ट हो जाता है गाइस हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमें किससे मिलता है, थ्रू द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से हमें हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है, जिसमें हमारी फैमिली आ जाती है, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम अपने अचीव को गोल मतलब अचीव अपने गोल को अचीव कर सके। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि समटाइम्स जो स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइज वगैरह देते हैं कि अगर हाँ भी बच्चा ये फर्स्ट आएगा क्लास में तो उसको प्राइज दिया जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। उन्हें प्राइज दिया जाएगा या फिर उनके लिए क्लास में क्लैप होगी, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो दीज आर द सम फैक्टर्स दैट कम्स अंडर द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो लेट्स रीड इट आउट। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या, एक्सटर्नल है। दिस इंसेंटिव डिराइव्स एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल, गोल की तरफ लेकर जाता है हमें। तो अ स्टूडेंट मतलब जिसको हम मोटिवेट करते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, मोटिवेट थ्रू अ रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के थ्रू हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छा मतलब हार्ड स्टडी की है, बेटर ग्रेड ली है, तो उसके उसको हम क्या कर सकते हैं, एक रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसे ट्रॉफी मिलती है ना आप लोगों को स्कूल में, तो वो क्या हो जाता है, उससे एक एक्सटर्नल मोटिवेशन अराउज होती है बच्चे में कि उन्हें आगे और बढ़ना है, दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे हैव टू अचीव मोर। क्लियर है अबाउट द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आई होप आप लोग टाइप्स के साथ बहुत अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट पर्टिकुलरली डिटरमाइन अ मोटिवेशन। सो बेसिकली जो मोटिवेशन है, सबसे पहले सोच कर देखो मोटिवेशन किस चीज पर बेस्ड है, हमारी नीड्स, हमारे गोल्स, हमारा एम ऑफ लाइफ, इन सब चीजों पर मोटिवेशन बेस्ड है। जब तक हमारा लाइफ का मतलब एक एम ही नहीं होगा, एक गोल ही नहीं होगा, तो हम मोटिवेटेड कैसे रहेंगे ना। सबसे पहले हमें सोचना है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है लाइफ में, अब मेरा एम बन चुका है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ही मैं खुद को मोटिवेट कर पाऊंगी ना, तो ही एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं हार्डवर्क करूँ टू बिकम अ डॉक्टर। तो मोटिवेशन के जो जो फैक्टर्स हैं, लेट्स रीड इट आउट। पहला फैक्टर है मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब एक इंटरनल फीलिंग है इंडिविजुअल के अंदर की, ताकि हम अपने एम को अचीव कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन नीड्स, हमारी नीड्स, हमारी जरूरतों पर मोटिवेशन बेस्ड है, कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा शेल्टर चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, तो मतलब हमारी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है हमारा, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन अवर नीड्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा गोल्स आर मोटिवेटर। अब मैंने आपको बताया कि जब तक हमारा गोल ही नहीं होगा लाइफ में, एम ही नहीं होगा, देन हाउ कैन वी बिकम मोटिवेटेड, है ना बात, कि जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो हम उसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे ना। तो सबसे पहले हमारी लाइफ का गोल,
हमारी लाइफ का एम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट वी विल मोटिवेट आवर सेल्फ एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टू अचीव आवर गोल. सो गोल्स आर मोटिवेटर. मोटिवेशन कॉजेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. फीलिंग ऑफ नीड बाय अ पर्सन कॉजेज हिम टू बिहेव इन सच अ वे दैट ही ट्राइज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ. तो गोल एज अ मोटिवेटर क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मोटिवेशन है हमारी सेटिस्फेक्शन से डिफरेंट होता है. कैसे डिफरेंट होता है? जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, मतलब ये हमें तब मिलती है कि जब हमारी जो डिजायर है या हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाता है, तब मिलती है. बट जो मोटिवेशन है, अब मोटिवेशन हमें किस चीज के लिए चाहिए? ताकि हम अपनी इस डिजायर को, अपने इस गोल को अचीव कर सके. सो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अब क्लियर डिफरेंस है मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन में. मोटिवेशन कब चाहिए हमें? कि हमें अपने गोल को, डिजायर को क्या करना है? अचीव करना है. और सेटिस्फेक्शन कब होगी हमें? जब हमारा गोल और डिजायर अचीव हो जाएगा, पर्टिकुलरली हम डॉक्टर बन जाएंगे, तब हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगी. ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट, पता चल गया मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के बाद हमारा आ जाता है कि जो मोटिवेशन है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. कैसे मोटिवेशन? मतलब कि हम, ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है. पैसे नहीं है तो हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हम लोग अच्छा लाइवलीहुड नहीं जी पा रहे हैं. हम लोग अपनी जरूरतें, अपनी नीड्स, मतलब जो जो हमें चाहिए हम वो नहीं ले पा रहे हैं, तो हम सेटिस्फाइड नहीं है. बट हम मोटिवेटेड हर टाइम रह सकते हैं. कैसे? ताकि हम पैसा अर्न कर सके. मोटिवेटेड रहोगे तभी हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क करोगे तभी अपने गोल्स को अचीव करोगे, गोल्स को अचीव करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट पैसा, मनी. सो यू कैन से मोटिवेशन इज अ वेरी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. नेक्स्ट है, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू पर्सन इन टोटैलिटी. मतलब कि ओवरऑल बेसिक नीड्स, हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेशन की जरूरत है टू अर्न देयर लाइवलीहुड, टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव देयर एम. एवरी पर्सन रिक्वायर्स मोटिवेशन, वेदर इट कुड बी इंटरनल इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन. सो आई होप मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को क्लियर है. इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. और मैं ट्राई करूंगी कि कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर में मोटिवेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं. तो प्लीज गाइस नोट साथ साथ बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्वेश्चन जरूर आने वाला है इसमें से. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन. प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकते हैं? सोचो मोटिवेशन का हमारी लाइफ में क्या क्या पर्पस होगा. जस्ट अ मिनट प्लीज. तो मतलब कि मोटिवेशन हमें किस लिए चाहिए? हर एक चीज का हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है ना. बिना पर्पस के तो हम कोई काम करते नहीं है. तो मोटिवेशन जो है हमें किस चीज के लिए चाहिए? सबसे पहले मोटिवेशन हमें चाहिए टू अचीव अवर गोल. पहला पर्पस ये है हमारा, टू अचीव अवर गोल और एम. सेकेंड पर्पस क्या हो सकता है हमारा? सोचो, टू अर्न अवर लाइवलीहुड, या फिर कह सकते हैं कि हम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करें, मतलब अपनी सारी विशेष को फुलफिल करें. सो दिस कुड बी द रीजन. सो एक एक करके पढ़ते हैं कि हमें मोटिवेशन किस किस चीजों के लिए चाहिए. अब हमें पता है कि हर एक लर्निंग का एक पर्पस होता है. फॉर एग्जाम्पल, कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ काम करते हैं किसके लिए? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए. जैसे कि नीट का स्टूडेंट और टीचर एक साथ काम करते हैं ताकि एक लॉन्ग टर्म गोल, एक डॉक्टर अचीव कर सके, सोसाइटी को एक डॉक्टर मिल सके. तो ये क्या हो जाता है? एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि हर एक लर्निंग का एक अपना पर्पस होता है. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स को स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए ताकि अपनी लाइफ को अचीव कर सके, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सके, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके. ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स रिक्वायर नेसेसरी नॉलेज टू कंप्लीट देयर वर्क एंड अचीव देयर गोल्स. अपने काम को अचीव कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके. ठीक है, मतलब अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, सब अपनी हर एक अटेंशन को, अपनी हर एक मतलब नीड को फुलफिल कर सके.
सो दैट्स वाई दे नीड स्किल्स एंड नॉलेज. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डायरेक्शन एम्पावर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती है, गुड डायरेक्शंस होती हैं, उससे क्या करते हैं बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं और फाइनली दे अचीव देयर गोल विद अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस. सो वी कैन से दैट कि व्हेन स्टूडेंट्स नो एग्जैक्टली व्हाट दे मस्ट टू डू टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, दे विल अप्रोच देयर वर्क एंड विद कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट. मतलब एक अच्छी डायरेक्शन उन्हें प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाती है. और बेसिकली जो प्रैक्टिस होती है, दैट प्रैक्टिस हमें किधर लेकर जाती है, टू अचीव अवर गोल. क्लियर है? सो नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टू हैव फन वाइल दे वर्क. स्टूडेंट्स को भी फन चाहिए बिकॉज दे गेट बोर इजिली वाइल स्टडी. तो हमें ऐसा मतलब एक मोटिवेटेड सा इन्वायरमेंट, क्लास में बनाए रखना चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स बोर ना हो और उनका इंटरेस्ट क्लास में बना रहे. ठीक है? टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वी नीड टू मेंटेन सच अ इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम. उसके बाद उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज देनी चाहिए जो उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करें, ताकि वो अपने आप को एंगेज रख सकें, अपने आप को एक्टिविटीज में एंगेज रख सके और दे बोर ना फील करें और उनकी जो मतलब ग्रोथ है वो राइट डायरेक्शन में हो सके, ताकि सिंपल कह सकते हैं हम कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने माइंड को डेवलप कर सके, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके. सो वी हैव टू ऑफर देम सम एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. क्लियर है गाइस? उसके बाद हो जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्या है वो? क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी तो सबको होती है, राइट? क्यूरियोसिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए. हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, कि अगर हमारे आसपास ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है. तो मतलब कि व्हेन स्टूडेंट्स वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट अ टॉपिक, दे विल टैकल चैलेंजिंग असाइनमेंट्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देअर क्यूरियोसिटी. अब अगर आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंट्रो दोगे किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, ऑब्वियसली उनको क्यूरियोसिटी होगी उस टॉपिक के बारे में और जानने की. तो जो क्यूरियोसिटी है, दिस इज क्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मोटिवेशन. मतलब कि उससे बच्चे मोटिवेट भी होते हैं, ताकि दे कैन अचीव समथिंग न्यू, दे कैन लर्न समथिंग न्यू और दे कुड गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द टॉपिक. आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर गाइस. तो उसके बाद सेवेंथ हमारा पॉइंट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो प्रेज, एंकरेजमेंट, ये सब भी इफेक्ट करती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, मोटिवेशन को बिल्ड करने में. अगर टीचर बच्चे की प्रेज कर देते हैं क्लासरूम में कि हाँ, आज इसने कंप्लीट होमवर्क किया है या इसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मतलब ये सब चीजें वही एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, दे कीप अस ऑन मोटिवेटिंग. तो कैरेक्टर्स व प्रिंसिपल्स के साथ आप लोग क्लियर हो कि मोटिवेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, ठीक है? उसके बाद हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली है, तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं. उसके बाद हमें मतलब जनरली डिस्कशन करते हैं, सजेशंस बताओ. मैंने उसके नोट्स नहीं ऐड किए, वो आप लोग अब डिस्कस करके आप लोग खुद से सोचो. मैं यहाँ पे लिख दूंगी सजेशंस क्या क्या होंगी मोटिवेशन के लिए. सबसे पहले हमारी जो सजेशन होगी मतलब कि लव एंड बिलोंगिंग. लव एंड बिलोंगिंग मतलब कि जो हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, दे कैन मतलब एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, लविंग इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करे, ताकि हम मोटिवेटेड रहें एंड वी कैन अचीव अवर गोल्स. और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कि हम लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है. यू नो गाइस, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ये सब कुछ सजेशंस हैं जिससे कि हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस करें. तो आई होप शॉर्ट वीडियो है, इतनी जल्दी तो आप लोग बोर नहीं होंगे, तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. एक शीट ले लेते हैं. आई विल शेयर
अ व्हाइट बोर्ड विद यू. ओके सो क्या क्वेश्चन है कि जो इंट्रिंसिक लिख नहीं पा रही हूँ इस पे मैं एक्चुअली अच्छे से. नो इश्यूज. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि दे इंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी, दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, दे ऑलवेज सक्सीड. तो फर्स्ट क्या नहीं हो सकता हमारा मोटिवेशन का? इंट्रिंसिक मोटिवेशन में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि दे इंजॉय इंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी, दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, दे ऑलवेज सक्सीड. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जरूरी नहीं है हम लोग हमेशा सक्सीड हो. ऐसा जरूरी है? कोई फेल भी तो हो सकते हैं, फेल होंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे. सो ऑप्शन डी हमारा जाएगा करेक्ट आंसर. तो मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी विद अ वेल रिटन शीट. ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा और मुझे क्वेश्चन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद अब मोटिवेशन के साथ आप लोग क्लियर हैं. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग मोटिवेशन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीपीस ट्यूटोरियल. बाय गाइस.